हेलो मेरी प्यारी दोस्तों, कैसे हो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो। नीलू स्वीट किचन में आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ मैं। आइए बनाते हैं एक बहुत ही इजी और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी पराठा, जो कि बहुत ही नाश्ते में खाए जाते हैं और बड़े तो बड़े बच्चों को भी ऐसा करें कि पसंद आए। और बिना ताम झाम किए ये पराठे मैं बनाऊँगी। ये रात में मैं बना रही हूँ, इसलिए थोड़ा सा लाइट में प्रॉब्लम है। यहाँ पर सिर्फ मैं एक आलू और सिर्फ मैं क्या बोलूँ, 25 ग्राम से भी कम मेरा होगा ये मेथी। तो इतने में पूरी फैमिली मेरी खा लेगी, आपकी भी फैमिली पूरी खा सकती है। तो किस तरीके से मैंने ये एडजस्टमेंट किया है, आइए आगे दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पे मैंने मेथी धुल के ले लिया है और एक आलू छील के ले लिया है दोस्तों। तो ये मेथी और आलू को अच्छे से वॉश पहले से करके फिर काटना है मुझे। और आलू तो आप पानी में काट सकते हो, बट मेथी को मतलब धुल कर तभी काटना। इसको हम ग्राइंड ऐसे थोड़े मतलब बड़े बड़े टुकड़े में कर दिया है और मैं उसको अच्छे से बारीक एकदम नहीं कट की हूँ, क्योंकि मुझे इसको ग्राइंड करना है दोस्तों। तो इसको मैं मिक्सर जार में डाल के और ग्राइंड कर रही हूँ। तो ग्राइंड हो रहा है, इससे पहले मैं आपको बता दूँ एक बात कि आप लोग लाइक नहीं करते दोस्तों, लाइक कर दिया करिए प्लीज़, और सब्सक्राइब भी कर दिया करिए अगर आप नए हो तो। बेल आइकन, ऑल बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। यहाँ पे देखिए मैंने दही डालकर और आलू और मेथी का जो डंठल थोड़ा सा निकाल दिया जो मोटा था, और उसके बाद मैंने ग्राइंड कर लिया है दही। अगर मेरे पास तो दही था तो मैंने डाल दिया। आपके पास सपोज दैट अगर दही ना हो तो आप पानी डाल के हल्का सा पी सकते हैं। मतलब इतना भी ज़्यादा पानी नहीं डालना है, इतना डालना है कि ताकि आपकी चटनी जैसे मतलब पीस जाए, वो पेस्ट बन जाए। दोस्तों यहाँ पे देखिए मैंने जीरा डाला है कढ़ाई में, और एक से डेढ़ चम्मच धनिया पाउडर धनिया डाला है, साबुत धनिया। और यहाँ पे दो चुटकी मैंने डाला है पंचफोड़न, आप मेथी का भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने चाहे तो मैं ऐसे पाउडर ही मैं डाल सकती हूँ तेल में, बट ना दोस्तों मैं इसको मुझे कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि मैंने मेथी भी को नहीं ऐसे फ्राई करके डाल रही हूँ पराठे में। तो मैंने कच्चा ही मेथी ऐसे किया है, इसका इतना गजब का स्वाद आता है ना, तो मैं क्या बताओ। अब यहाँ पे मैं लहसुन ली हूँ 6-7 कली, और मिर्चा एक, और उसके बाद जो मैंने साबुत धनिया जीरा और पंचफोड़न जो मैंने अभी थोड़ा सा उसको सौंधापन किया है उसी को ग्राइंड कर लिया है। तो दोस्तों ये देखिए मैंने ग्राइंड किया है थोड़ा दरदरा टाइप का, क्योंकि थोड़ा लगना चाहिए ना, मसाला डाला है तो मुँह में आता है तो अच्छा लगता है। यहाँ पर देखिए मैंने एक बाउल आटा ले लिया है, और आप मतलब इसमें मैं नहीं बता पाऊँगी कि कितना बाउल लेना है, आपकी फैमिली जितनी हो उतना कर सकते हो। यहाँ पे देखिए मैं जो पेस्ट दही और आलू, मेरा कच्चा आलू था मैं आपको बता दूँ जो मैंने ग्राइंड किया, और आलू और मेथी जो मैंने अभी ग्राइंड किया था उसी के साथ साथ मैं ये भुना वाला मसाला भी डाल दे रही हूँ। इससे फ्लेवर बहुत ही गजब की आती है, जैसे कलौजी का मसाला होता है ना, सेम वही, सिर्फ इसमें मैंने कलौजी नहीं डाला है। और दोस्तों खटासपन के लिए आप इसमें आमचूर का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो जैसे आप ऐसे थोड़ा एक बाउल आटा डालें, तो थोड़ा थोड़ा करके पेस्ट डालें, फिर थोड़ा थोड़ा करके आटा डालें, ऐसे डालें मतलब ताकि आपको पता चले कि आपका कितना लग रहा है। तो फिलहाल मेरा सूखा हो गया, तो मैंने फिर बाद में 2-3 चम्मच दही डाली। तो दोस्तों मिला जुला के मेरा पराठा मतलब बहुत ही टेस्टी बना था, और लगभग एक बाउल दही में और 1.5 से 2 बाउल मेरा आटा लग चुका था। तो दोस्तों मैंने पानी का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया है इस पराठे में। तो यहाँ पे देखिए अब चकली मैंने बना लिया है, और ऐसे चकले पे रख कर और पैथर डालकर डायरेक्ट मुझे इसको बेलना है। और मैं आपको क्या बताऊँ, ये इतने टेस्टी पराठे लगे थे, ये बिना चटनी के भी खा सकते हो, टिफ़िन में जैसे भी आप बच्चों को खिला सकते हो। मेथी की सब्जी नहीं खाना चाहते बच्चे, तो इस तरीके से आप खिला सकते हो उनको, वो बहुत ही प्यार से खाएंगे। ऊपर से ग्रीन है ना, मैंने कोई फूड कलर नहीं डाला है, लेकिन फिर भी देखिए कितना प्यारा ग्रीन है। और
आप तवे पे डाल के इसको सेक देंगे। दोस्तों आप चाहे बटर, चाहे घी, चाहे रिफाइन ऑयल जो भी आपके पास है आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा मेरा सौंधा थोड़ा सा चिट्टा आया पराठा में और मैंने डाल दिया है, ये रिफाइन ऑयल डाल रही हूँ, घी नहीं डाल रही हूँ क्योंकि सर्दी इस टाइम सर्दी का टाइम है। खैर तो सर्दी के टाइम पर घी खाते हैं लेकिन हमारे बच्चों को मतलब हमको भी बहुत ही ज़्यादा खांसी की प्रॉब्लम है इस टाइम, तो घी डालने से मेरी सासू माँ बोलती है कि गला मतलब सहराता है ऐसे करके, तो इसीलिए मैंने नहीं डाला कि और हो सकता है खांसी आए घी से। तो मैंने वैसे तो शुद्ध राई का यूज कर रहे थे तेल लेकिन देखने में थोड़ा कम जमता है इसीलिए मैंने रिफाइन ऑयल यूज कर दिया। वैसे सर्दियों में जितना आप मस्टर्ड ऑयल यानी शुद्ध राई सरसों का तेल यूज करें उतना बेटर है आपके पास, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए आप थोड़ी सी भी इधर उधर नज़र झटाएंगे तुरंत ये छिट्टे हो जाएंगे। और हाँ स्लो एकदम आँच में आपको करना है। मैंने एक पराठा बना के उतार दिया, ऐसे ऐसे करके मैं सारा पराठा बना लूँगी और झट बनने वाली है। ऐसा नहीं है तामझाम चलिए काटिए फ्राई कीजिए फिर करिए ये वो, कुछ नहीं, डायरेक्ट आप उठाइए और डायरेक्ट ग्राइंड करके डाल दीजिए आटे में और मसाले वगैरह अपने फ्लेवर के हिसाब से डाल दीजिए। फिलहाल मैंने तो ऐसे सौंधापन करके डाला है, बहुत ही अच्छी फ्लेवर हुआ था, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। और पराठे तो देखिए भारत का नस्का बन रहा है, एक दो मेरा अच्छा बन गया, एक दो ऐसे बन जा रहा है। वीडियो दिखाने के चक्कर में ये सब हो रहा है क्योंकि दोस्तों मेरे पास ट्राइपॉड वगैरह नहीं है, तो एक हाथ से मोबाइल पकड़ना है एक हाथ से बनाना, समझ सकते हो बहुत ही डिफ़िकल्ट काम होता है। तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए, तो अगर अच्छा लगे तो, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मुझे और क्या बेहतर करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए मैं लगा लगा के सेक दे रही हूँ और बच्चों को बहुत पसंद आएगा। और दोस्तों अब ठंडी के सीज़न आ गए हैं तो क्या रेसिपी खाना है, क्या रेसिपी देखना है, क्या रेसिपी मतलब लाइक करते हो आप लोग और क्या रेसिपी सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी देने के लिए। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ मेरा ये पराठा, ग्रीन पराठा, मेथी का पराठा अलग तरीके से बहुत ही गजब का लगेगा। एक आलू और एक, मैंने आलू इसलिए डाला बता दूं आपको, बहुत लोग आलू उपयोग नहीं करते, आप भी मत किया करिए अगर नहीं पसंद है तो, बट मैंने एक आलू इसलिए डाला है कि मतलब अगर टिफ़िन में आप दे रहे हो ना तो आलू का प्रयोग करेंगे ना तो वो मतलब तुरंत अगर बच्चे नहीं खाएंगे, बच्चे ऑब्वियसली है कि सुबह ले जाएंगे तो दोपहर में खाएंगे, तो दोपहर में क्या होता है कि एकदम टाइट हो जाता है ना पराठा रखे रखे, मतलब हो सकता है आपके एयर टाइट ऐसे कुछ बॉक्स ना दे तो पराठा टाइट हो जाता है। तो आलू डालने से क्या होता है उसके मतलब लचीलापन जो मुलायमपन है वो बिल्कुल ही बने रहते हैं, तो इसीलिए दोस्तों मुलायम रखने के लिए यानी दो चार छः घंटे ऐसे मुलायम रहेंगे यानी 24 घंटे मुलायम रहेंगे, इसके लिए आलू एक दो जरूर डाल लेना चाहिए। और अगर तुरंत खा रहे हो और नहीं पसंद है, बहुत लोग आलू पसंद नहीं करते फैट की वजह से, तो आप अवॉइड भी कर सकते हो। तो दोस्तों ये मेरी मेथी और आलू का पराठा बताइएगा कैसा लगा, और उम्मीद करती हूँ आप सबको बहुत 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 ही पसंद आएगा, और पसंद आएगा तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों मेरा वीडियो कैसा लगता है, और शॉर्ट वीडियो में जो मैं बनाती हूँ 15 सेकंड का उसमें तो बहुत ही लाइक आते हैं क्योंकि उसमें हर सबका लाइक बहुत ज़्यादा आते हैं और व्यूज़ भी बहुत ज़्यादा आते हैं, बट मेरे ना वीडियो पे जो मेरा वीडियो पता नहीं, मेहनत पूरी करती हूँ और एक सुबह डालती हूँ वीडियो, एक शाम डालती हूँ, लॉन्ग वीडियो भी शॉर्ट वीडियो बहुत मेहनत से मतलब एक एक दिन में दो दो तीन तीन वीडियो कभी कभी हो जाता है, लेकिन उसमें ऐसा कोई मतलब लाइक का तो कोई ऐसा ऑप्शन ही नहीं है कि जैसे लाइक, ऐसा लगता है कि जैसे लाइक नहीं है तो मतलब पसंद नहीं है, तो प्लीज़ ये चीज़ का ध्यान दिया करिए। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट करें, बताएं और लाइक करें और सब्सक्राइब करें क्योंकि मेरी यूट्यूब फैमिली हो आप सब, तो उम्मीद करती हूँ बहुत ही आप लोग अच्छे होंगे और मेरा हेल्प करेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ये मेरी दही वाली जो कि मेरी बहुत ही फेवरेट होती है, सबकी फेवरेट होती है ये मीठी चटनी, और ये है देखिए पराठा। तो बताइएगा कैसा लगा, और अच्छा लगे तो लाइक कमेंट कीजिएगा। दोस्तों इस तरीके से आप दही के साथ, तीखी चटनी के साथ, टमाटर की चटनी के साथ, किसी भी के साथ आप खा सकते हो। रात में मैंने कहा जैसे कि लाइट की प्रॉब्लम है, बहुत ही अच्छा नहीं दिख रहा है तो माफ़ कीजिएगा, लेकिन पूरी मैं देने की कोशिश की हूँ। यहाँ पर देखिए
कट करके ऐसे पीसेस पीसेस आप बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं और बहुत ही पसंद करते हैं बच्चे, हमारे बच्चे तो बहुत पसंद करते हैं, तो आपके भी पसंद करेंगे उम्मीद में यही करती हूँ। देखिए कितना मुलायम कितना ये लचीला है। तो दोस्तों इस तरीके से एक बार ज़रूर मेथी के पराठे ट्राई कीजिएगा और अलग तरीके से मेथी के पराठे मैं आपको बना के और रेसिपी दूंगी, लेकिन कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा कि ये आइडियाज़ मेरा कैसा लगा। तो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। ये देखिए बॉक्स तैयार हो गया मेरे बच्चे का, तो आप सब भी इस तरीके से कर सकते हैं।